हेलो व्यूअर्स, मैं हूं अनिकेत और आप लोग देख रहे हैं मूवी एक्सप्लेनेशन हिंदी चैनल को। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं उस वीडियो को लाइक करना। तो दोस्तों, आज जो मैं जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ वो एक ऐसी ठरकी लड़की की है और उसके भाई की है, जो आपस में ही एक दूसरे के साथ ही रिलेशन बनाना चाहते हैं। इस मूवी का नाम है नताशा और ये मूवी 2015 में रिलीज़ हुई थी। तो दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम मार्क नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक पार्टी में जा रहा था अपने दोस्त की में, और वो पार्टी में अपनी एक गर्लफ्रेंड से मिलता है और वो उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश करता है, पर उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो उसे मना कर देती है, जिसके कारण जो मार्क होता है वो गुस्से में आ जाता है, अपना मूड उसका ऑफ हो जाता है, वो अपने घर में आता है और पॉर्न देखने लग जाता है। अगले दिन होती है और यहाँ से हम उसकी मॉम को देखते हैं जो उसे अगले दिन उठा रही होती हैं, क्योंकि उसके जो एक अंकल होते हैं जो विदेश से आ रहे थे, और एक उसको एक खबर मिलने वाली थी कि वो उसके जो वो अंकल आ रहे हैं वो एक नई शादी कर रहे हैं, यानी कि वो अपनी एक सेकंड शादी कर रहे हैं, और उनकी जो वाइफ है उसका नाम जीना है। तो जीना जैसे यहाँ पर आती है, मार्क देखता है कि जीना का जो ड्रेसिंग सेंस है वो बहुत ही अलग होता है। वो इस बारे में अपनी मॉम से बातें करता है और उसकी मॉम कहती है कि वो लोग क्या पता वो लोग विदेश जा रहे हैं और वो उसी तरह का कपड़ा पहनते हों और इसलिए हम लोगों को ये सब अजीब लग रहा है। तो यहाँ से दोस्तों हमें ये भी पता पड़ता है कि जो जीना है उसकी एक पहले पति से एक 14 साल की बेटी और है जिसका नाम है नताशा। तो हम देखते हैं कि अगले दिन ये लोग अपने अंकल जो विदेश से आ रहे थे जीना के साथ, वो वहाँ से आ रहे होते हैं एयरपोर्ट से और ये लोग उन लोगों को पिकअप करने जा रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर इन लोगों की शादी हो रही थी, इनकी जीना की और उस मार्क के अंकल की, पर जो मार्क था वो और कुछ नहीं देख रहा था, वो जीना की बेटी यानी कि नताशा को ही देख रहा था क्योंकि वो उसे मिल नहीं रही थी। तभी मार्क की मॉम उससे कहती हैं कि तुम जीना की बेटी यानी कि नताशा को अपना घर क्यों नहीं दिखाते हो। तब नताशा मार्क के साथ उसके रूम में आती है और उसे पूछते हैं कि तुम इस रूम में क्या करते हो। तब मार्क उससे कहता है कि मैं यहाँ पर पढ़ाई करता हूँ, गेम खेलता हूँ और सोता हूँ। तब जीना की बेटी यानी कि नताशा मार्क से पूछते हैं क्या तुमने किसी के साथ रिलेशन बनाए हैं फिजिकल। तब मार्क उससे ये बात कहने के लिए मना कर देता है और कहता है कि तुम ये मेरे से कैसा सवाल पूछ रहे हो, क्योंकि तुम मेरी बहन हो और ये सब शोभा नहीं देता है तुमको। मार्क की इसी बात पर नताशा उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि तुम एक चूतिया हो और मैंने तुम्हारी उम्र में यानी कि मैं अब 14 साल की हो चुकी हूँ और मैंने इस उम्र में अभी तक 100 से ज़्यादा लोगों के साथ रिलेशनशिप में, फिजिकल रिलेशनशिप में रह चुकी हूँ और तुम एक पागल हो। तो वो उसे इसे ऐसा कहकर चिढ़ाती है, पर मार्क जो है उसकी बातों पर नज़रअंदाजे करता है उसकी बात को और उसे ये सब कहता है कि ये सब बातें मेरे से मत करो। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और मार्क को देखता है कि वो जॉब के लिए अपने कॉल सेंटर में जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्क की माँ मार्क को बताती है कि तुम्हें नताशा का ख्याल रखना होगा क्योंकि जीना और तुम्हारे अंकल वो बाहर गए हैं, और क्योंकि नताशा एक दूसरे शहर से आई है, दूसरी सिटी कंट्री से आई है, तो तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। अगले दिन हम देखते हैं कि मार्क नताशा की मॉम से मिलता है यानी कि अपनी आंट जीना से, और उनसे बातें करने लगता है। इतना ही वहाँ पर नताशा आती है और वो अपनी मॉम को देख कर अपसेट हो जाती है और अपने हाउस से वहाँ से भाग जाती है। उसके पीछे मार्क भी उसके पीछे पीछे आता है और मार्क उसे पूछता है कि तुम अपनी मॉम से इतना जलती क्यों हो, उनसे इतना परेशान क्यों रहती हो। तब नताशा मार्क को बताती है कि जो मेरी मॉम है वो तुम्हारे अंकल बेन को भी चीट कर रही है और वो मुझे पसंद नहीं है। तब ये दोनों बाहर जाते हैं घूमने के लिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ से सीन जो है चेंज होता है और मार्क और नताशा को देखते हैं, ये दोनों बाहर घूम रहे थे, बातें कर रहे थे, टहल रहे थे, और अब जीना की बेटी नताशा को भी मार्क के साथ रहना अच्छा लगने लगा था। ये दोनों आउटिंग कर रहे थे, बाहर घूम रहे थे, खाना पीना खा रहे थे बाहर, एक साथ रेस्टोरेंट्स में जा रहे थे। अगला सीन आता है और हम लोग देखते हैं कि नताशा और मार्क के रूम में आते हैं, ये दोनों बातें कर रहे थे, बुक्स पढ़ रहे थे, गेम्स खेल रहे थे। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है, फिर हम मार्क को देखते हैं कि वो अपने एक दोस्त को वीड दे रहा था यानी कि नशे की चीज़ें दे रहा था, और ये सब देखकर नताशा को भी ये सब चीज़ें करने का मन कर गया था, उसे भी लग रहा था कि मैं भी वीड पीऊँ। वो मार्क को वीड पीते हुए देखती है और मार्क उसे भी ऑफर करता है और वो हाँ कर देती है उस चीज़ को पीने के लिए। तब नताशा मार्क से पूछते हैं कि क्या मैं तुम्हारा लैपटॉप यूज़ कर सकती हूँ फेसबुक यूज़ करने के लिए। तब जैसे ही वो नताशा मार्क का लैपटॉप यूज़ करती है तो उसे उसके लैपटॉप में पोर्न दिखती है और वो कहती है कि क्या तुम भी ये सब चीज़ें देखते हो। तो मार्क उसे कहता है कि तुम्हें ये सब शट डाउन करनी होंगी, तुम्हें ये सब चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। तो जो नताशा होती है वो मार्क की बातों को नज़रअंदाज करती है और अपनी उसमें आईडी खोलती है और उसको सभी वो सारी चीज़ें दिखाती है यानी कि गलत चीज़ें दिखाती है। इसके बाद ये दोनों फिजिकल रिलेशनशिप में आते हैं, और जो बहुत गलत बात थी एक बहन और भाई होने के नाते।
फिजिकल रिलेशनशिप के बाद दोस्तों ये दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और हम देखते हैं कि इन दोनों की जो बीच की बॉन्डिंग है वो भी अच्छी हो चुकी है। ये दोनों एक साथ बाहर घूमते थे और एक दूसरे की बातों को समझते थे बड़ी ही अच्छी तरह से। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि जो मार्क है वो नताशा को लाइक करने लगा था और हमें पता पड़ता है कि जो नताशा के जो पेरेंट्स हैं इनकी आंट जीना और अंकल मार्क के अंकल वो दोनों बाहर जा रहे थे घूमने के लिए और नताशा को और मार्क को एक साथ उनके रूम में ही रहना पड़ रहा था। हम देखते हैं कि ये दोनों बाहर आ जाती है और नताशा जो होती है वो मार्क से कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही अपनी जो लाइफ है वो स्पेंड करना चाहती हूँ। मार्क भी उसकी इन बातों में हामी भर लेता है और कहता है कि मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ और हम लोग को यहाँ पर ये पता पड़ता है कि ये दोनों जो हैं यानी कि ये दोनों स्टेप सिस्टर एंड स्टेप ब्रदर हम दोनों इन दोनों को आपस में कह सकते हैं। हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में इतना ज़्यादा फिजिकल रिलेशनशिप में आते थे, करीब दिन में दो दो तीन तीन बार ये लोग फिजिकल होते थे। तो हम देखते हैं कि जो अंकल बेन हैं और आंट जीना वो नताशा को डांट रही थी और कह रही थी कि तुम मेरे साथ इतनी रूड क्यों होती हो। तभी नताशा जो होती है वो फिर से अपनी आंट जीना को फिर से धमका देती है और कहती है कि आपको मेरे बातों में कोई इतना बड़ा फैसला लेने की ज़रूरत नहीं है और नताशा आंट जीना को मारने लगती है। मार्क के फादर नताशा को रोकते हैं और कहते हैं कि बेटी तुम ऐसा नहीं कर सकती, वो कैसी भी आखिर वो तुम्हारी माँ है। अगले दिन दोस्तों मार्क नताशा से मिलने उसके घर जाता है जहाँ पर मार्क को नताशा की मोम है यानी कि उसकी आंट जीना मिलती हैं और वो मार्क को देखते ही उसके रूडली बिहेवियर करने लगती हैं, उसे रूडली बिहेव करने लगती हैं मार्क के साथ और उससे कहते हैं कि मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम अपनी बहन को भी नहीं छोड़ रहे हो और मुझे पता है कि तुम दोनों एक साथ क्या करते हो। ऐसा सुनने के बाद मार्क वापस अपने घर जाता है और उसके पीछे पीछे जो नताशा होती है वो भी उसके साथ आ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और मैं यहाँ से बाहर जा रही हूँ यानी कि मैं विदेश जा रही हूँ, मैं यहाँ से इंग्लैंड जा रही हूँ, वो ऐसा कुछ नाम लेती है। पर जो मार्क होता है वो उससे मना कर देता है कि मैं तुम्हारे साथ जाना तो चाहता हूँ पर मैं चाहकर भी नहीं जा सकता क्योंकि मेरी फैमिली इधर है। तब जो मार्क होता है वो रात को तो नताशा को अपने पास ही रखता है और वो दोनों फिर से फिजिकल होते हैं। पर जैसे ही सुबह होती है मार्क नताशा को उसका बैग पैक करके रोड पर छोड़ देता है और उससे कहता है कि अब तुम्हें जहाँ पर जाना है जाओ। तब अगले दिन यहाँ पर क्योंकि आंट जीना और मार्क के अंकल घर पर नहीं थे तो उन दोनों के रिलेशन के बारे में उनके घर में बातें हो रही थी, वो लोग कह रहे थे कि उन दोनों का रिलेशन ज़्यादा नहीं चल पाएगा ये और वो। तभी मार्क पर उसके दोस्त का फ़ोन आता है जिसको मार्क ने वीड दी थी, तभी वो उसके साथ मिलता है और वहाँ पर जो मार्क है वो नताशा को देखता है और मार्क नताशा को देखते ही बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी मार्क का दोस्त उसे बताता है कि मैंने तुम्हें फ़ोन भी इसलिए किया था क्योंकि अब नताशा मेरे साथ रह रही है और हम दोनों शादी करने वाले हैं। अब ये सारी बातें अपने दोस्त के मुंह से सुनकर मार्क बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया था और उसका जो प्यार था उस पर से भरोसा उठ गया था। मार्क यहाँ पर अकेला बैठा होता और यहीं पर हमारी मूवी एंड होती है। दोस्तों मूवी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। थैंक्स।